अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लजीज रेसिपीज़। आज हम बनाने वाले हैं पूरन पोली, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। हमने 2 कप चने की दाल ली है, इसे 2 घंटे पहले हमने भिगा दिया था। हमने दाल को प्रेशर कुकर में निकाल लिया। अब हम इसमें 4 कप पानी डालेंगे। उतना ही हमने गुड़ लिया था। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसका पानी अच्छे से सूख गया है, हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर देंगे। आटा भी अच्छे से सेट हो गया है और पूरन भी ठंडी हो गई है। अब हम इसके मीडियम साइज के बॉल बनाएंगे। हमने मीडियम साइज का पेड़ा बनाया। अब हम इसी साइज की पूरन लेंगे और इसको भी इसी तरह गोल कर देंगे। अब हम इसे बेल लेंगे। इसके अंदर पूरन डालेंगे और इसे अच्छे से बंद कर देंगे। अब हम इसे बेल लेंगे। हमने रोटी इस तरह से बेल ली है, अब हम इसे सेक लेंगे। तवा अच्छा गर्म हो चुका है, अब हम इस पे रोटी डाल देंगे।
इसे एक साइड से सेकने के बाद हम इसे पलटा लेंगे। दूसरी साइड से तेल लगाकर इसे पलटा लेंगे। और इस साइड से भी तेल लगाकर इसे सेक लेंगे। इस तरह से हम सारे पूरन पोली बना लेंगे। पूरन पोली बनकर रेडी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।